गाइस ये है NH 53 हाईवे और यही रास्ता हमने पकड़ लिया है वापस से, क्योंकि यही रास्ता सबसे बेस्ट है। इसमें एक तो टोल लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम रहेगा क्योंकि ये हाईवे और दो एक और रूट है, लेकिन उसमें हमको ट्रैफिक ज्यादा दिखाई दे रहा था, इसलिए हम लोग सोचे क्यों ना इसी रूट पे चलते हैं और यही सबसे बढ़िया रूट है। तो गाइस फास्टैग लगवाने का यही फायदा है, अगर हम फास्टैग नहीं लगवाते तो हमको 128 देना पड़ता और फास्टैग लगवाने के बाद बस हमारे बैलेंस से 58 कटा, बस इतना सा, और हमारे अकाउंट में मैसेज भी आ जाता है कि आपके अकाउंट से बैलेंस से पैसा कट चुका है। बहुत ही आसान है, बस कुछ सेकंड लगता है और गाड़ी अपने आप VIP की तरह बाहर निकल जाती है। तो इनको देखो इतना लेट करी है आज कि ये गाड़ी में बैठ के रेडी हो रही है, बताओ पूरा मेकअप भर के आते बताओ अपने बैग में लड़की लोग। और गाइस रोड तो एकदम मक्खन है, अगर आप भी कभी आओगे तो यही रोड पे आना, NH 53 हाईवे बहुत ही बढ़िया रोड है, लेकिन अपन बीच में ही कट जाएंगे, वो तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा आगे कि हमें कहाँ से आरंग के आगे से हमें कटना है रोड पे, क्योंकि हम अलग रूट जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं तो आपको वीडियो के एंड पे पता चल जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक जरूर देखना। गाइस अभी अपन पहुंच चुके हैं आरंग और आरंग से अभी हमको और सीधा ही जाना है, जब आरंग की नदी आएगी तब हमको वहां से कटना है, तो अभी तो थोड़ा टाइम है। फिर सचरी है, सजदी रख दो इनका नाम। दोस्तों देखिए हम पहुंच चुके हैं आरंग और आरंग में अभी हमको सामने पड़ेगा महानदी। महानदी से कहां जाना है ये मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों आप अगर आओगे तो आप आरंग शहर के अंदर से भी जा सकते हैं अगर आपको घूमने का मन हो, और हम लोग अभी एक बार जा चुके हैं इसलिए हम लोग जा रहे हैं NH 53 हाईवे पे। ये सीधा ही वो वाला रोड भी सिटी के अंदर से भी NH 53 पे ही छोड़ेगा और ये रोड भी NH 53 पे ही है। अभी अपन पहुंच चुके हैं महानदी और सामने हमें पड़ने वाली है महानदी, यहाँ पे हम लोग एक बार रुक चुके हैं। देखिए गाइस पहुंच चुके हैं महानदी और यहाँ सब रुक रुक के शॉर्ट्स बनाते हैं, अपन भी रुके थे कल और यहीं पे शॉर्ट्स बना रहे थे और रील भी बहुत बनाए। देखिए एक बार कितनी बड़ी नदी है, महानदी है ये, आते आते अंधेरा हो जाएगा। बहुत ही सुंदर नदी है यार, मेरे को नदी के पास चलना है, चलो ना यहीं पे नहा लेंगे। कच्चा मत खाना बे, ये पक्का पक्का खा रहा हूँ मैं। ऊपर वाला था काली चीज़, ऊपर वाला। चलो फास्ट बैठो गाड़ी में। गाइस धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि हम लोग पहाड़ों के पास पहुंचने वाले हैं। पटेवा गोपालपुर, अच्छा पटेवा और गोपालपुर, पटेवा के लिए सीधा और गोपालपुर के लिए यहाँ से मुड़ना है। ये देखिए गाड़ी हमारी 140 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही है और रोड का मक्खन व्यू मजा ही आ जा रहा है, एकदम रोड मक्खन है, गाड़ी एकदम सनान दौड़ रही है। मजा आ गया यार, एकदम जबरदस्त, पापा भगा रहे हैं आज गाड़ी और व्यू भी बाजू एक नंबर है, ऐसे रोड में गाड़ी चलाने में मजा ही आ जाता है। पापा को सबसे ज्यादा मजा आ रहा होगा हमारे।
लिए चुनमुनी की मजा आ रहे हैं। चुनमुनी दी आप हमारा वीडियो देख के एंजॉय करना ठीक है। चुनमुनी दीदी कल नहीं आ पाई थी, इनका साइट पे जाना था इनको। दीदी हमारी सिविल इंजीनियर है तो इन्हीं से पूछ लो इनका क्या काम रहता है वहाँ पे। मेरा काम रहता है साइट इंजीनियर का, मैं कंस्ट्रक्शन का काम करती हूँ। कंस्ट्रक्शन रेजा खुली तो जंगली और पहाड़ी एरिया शुरू हो चुका है। देखिए व्यू से आपको पता चल रहा होगा, इतना सुंदर व्यू आ रहा है, नजारा और रोड का नजारा भी बहुत बढ़िया है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे बोर्ड है और अभी हमको कुहारी के लिए निकल रहे हैं। कुहारी मूबा मछान यहाँ पे पढ़ने वाला है इस रोड पे। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं सिरपुर और यहाँ पे इसके लिए स्पेशली बोर्ड लगाया गया है। 17 किलोमीटर है सिरपुर यहाँ से इस साइड, तो हम लोग को भी यहीं जाना है। एक बार बोर्ड आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पे है इसका मेन एंट्रेंस बोर्ड जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, अपन चलते हैं कार में बैठते हैं सब और फिर निकलते हैं अपने सफर के लिए। बैठ जाओ कार में। तो दोस्तों अभी हम घुस चुके हैं जंगल के रास्ते में और हमारा जंगल का सफर भी स्टार्ट हो चुका है। देखिए कैसा व्यू है और कैसा रोड है। एकदम सिरपुर यहाँ से 17 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर अब एकदम घुमावदार सांप नागिन जैसा रोड है। हाँ पहाड़ भी अभी धुंधला धुंधला दिख रहा है, हल्का पहाड़ नहीं है देखे, पहाड़ नहीं है बोलते हैं ये, पहाड़ दिख रहा है इतने अच्छे से। दोस्तों अभी अपन पहुंचे हैं जलकी और यहाँ रोड में ही बंदर। वाह यो बंदर, ये जलकी गांव है और जलकी से अभी हमको और आगे जाना है। अभी हम जा रहे हैं दसकुंड वाटर। सिरपुर होते हुए जाएगा नहावे का दरिया में, दरिया नहाए वो नहा लेना वो। बोला छत्तीसगढ़ी आदेश बस एक लाइन जान ले काबा टूरी में जारावास करा ना बोल देना। गाइस देखो कितना सुंदर धान की खेती है, एकदम हरे भरे खेत लग रहे हैं। हाँ मजा ही आ रहा है। आपको पसंद आ रहा है तो बताना एक बार कमेंट में कैसा लग रहा है। मेरा क्या बढ़िया व्यू है यार, सामने रोड भी मक्खन, गांव का रोड है फिर भी इतना बढ़िया है क्योंकि ये रोड बहुत ही चलता फिरता है और सामने जहां हम जा रहे हैं वो जगह भी बहुत फेमस है इसलिए। हाँ 2 दिन अपन ले लिए, बताओ 2 दिन कल भी घूमे थे और आज भी घूम रहे, बिल्कुल थकावट नहीं। तुम लोग का कैसा लग रहा है बच्चों? वैभव को नेचर पता चल जा रहा है, उसका बाल देख के कितना बाल उड़ गया अभी जा रहे हैं, बाल सीधा कर ले। हाँ हम लोग तो वैसे भी आगे बढ़ने मजा आ रहे हैं। सावधान यहाँ पे हाथी भी देखने मिल सकते हैं। यहाँ यार यहीं पे वहाँ बोर्ड था देखा नहीं है। अभी टाने में कौन सा गाना चट्टी पहन फूल खिला भालू मिलेगा कल जैसे हम पर को भालू दिखे थे। यहाँ पे तो जानवर भी हो सकते हैं, यहाँ पे खतरनाक जानवर होंगे, हाथी होंगे। बादलों के बीच हमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। हाय हाय ठंडी ठंडी हवा चल रही है और रास्ते का व्यू भी बढ़िया मिलते जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा एकदम साइड में। ये क्या जंगल लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये अमन एडवेंचर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घुस गया है पूरा। तुम क्या बोलती इतना लोड सिरपुर है ना, यहाँ पे 3 किलोमीटर लिखा था बोर्ड पे सिरपुर। ये सब क्या है यार, जनरेटर
चलो आगे चलते हैं, बहुत कुछ है घूमने के लिए, पूरा घूमेंगे, मजा आ जाएगा यार। तारे भी पसंद मेनू यार, पूरा तत्व है ये तो। बंद कर कर के रखे किया गया है वो। पापा पार्किंग, लेट्स गो, लेट्स गो। ये अब चलो उतरते हैं बाहर दोस्तों। यहाँ से हमको एंटर करना है इस गेट से, और सामने पीछे मेरे बोर्ड है जहाँ पे आप बहुत जगह है घूमने के लिए, तो सब जाएंगे और मजा आएगा एकदम घूमने में। देखिए दोस्तों रिपब्लिक डे के डेकोरेशन किया गया है यहाँ पे। देखिए दोस्तों हमारा तिरंगा झंडा कितना सुंदर तरीके से फैला हुआ है, और हवा भी चल रही है आज, हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है। तो हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को दोस्तों। यहाँ पे कितना सुंदर डेकोरेशन भी किया गया है रिपब्लिक डे के लिए, और इतना बड़ा मैदान, बहुत ही बड़ा गार्डन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ आए हैं टिकट लेने, तो आप ये जो देख पा रहे हैं ये है टिकट घर, टिकट काउंटर। तो यहाँ से हमें सबसे पहले टिकट लेनी है, उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए और गार्डन में घूमने के लिए। टिकट के रेट यहाँ देख सकते हैं आप, चार्ट लगा है, विदेशी के लिए है 250 रुपए, नोट 15 वर्ष तक के, भारतीय के लिए 20 रुपए है सिर्फ, विदेशी के लिए 300 रुपए। भाई साहब बाहर से जो आएंगे उनको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague.